देश की महिलाएं अब अपनी पार्टी बनाकर अपने लिए अधिकारों की मांग करेंगी। जी हां, संसद तथा अन्य जगहों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला पार्टी का गठन किया गया है। मंगलवार को इस पार्टी की गठन की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता शेट्टी ने कहा कि पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीतिक प्रणाली में न केवल महिलाओं को उपेक्षित किया जाता है बल्कि उन्हें उनका अधिकार भी नहीं मिलता। इसीलिए महिला तथा उसके अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय महिला पार्टी का गठन किया गया है जिसमें महिलाओं की आवाज उठाई जाएगी। पार्टी ने अपना बुनियादी काम 2012 में शुरू किया था। पार्टी का लक्ष्य लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों के लिए 50% आरक्षण हासिल करना है। शट्टे का यह भी कहना है कि उन्होंने चुनाव आयोग में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है। इसमें पार्टी के किसी खास नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी को हैदराबाद के तेलंगाना महिला समिति की 1.5 लाख से अधिक महिला सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और देश भर की महिलाएं इसमें उनका साथ दे रही है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय महिला पार्टी के गठन के बाद महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता आ गई है और अब यह कहा जा रहा है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जल्द ही सड़क पर आ सकती हैं और वे चुनाव भी लड़ेंगी।